वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सप्लोर ओडिशा सीजन 3। एक्सप्लोर ओडिशा रा सीजन 3 रे वी हैव ट्राइड टू फाइंड आउट न्यूअर प्लेसेस माने पुराना जगह किंतु गोटे नुआ दृष्टि रे। एट एवरी एक्सप्लोरेशन वी हैव फाउंड आउट सम अमेजिंग प्लेसेस। आजिकार ए एपिसोड रे आमे आसी पहुंचू नियाली पाखरे। आपण माने जानिछंती नियाली पाखरे फुलनखरा पाखरे देयर इज अ अमेजिंग सिविलाइजेशन व्हिच हैड बीन फाउंड एंड दैट वाज द प्राची वैली सिविलाइजेशन। ये प्राची वैली सिविलाइजेशन जो बटे ना प्राची नई जाऊला विभिन्न प्रकार सिविलाइजेशन से एक्जिस्ट करूला से विषय आर्कियोलॉजिस्ट माने से विषय नेचुरलिस्ट माने बहुत किसी एक्सप्लोर करी बहुत किसी गवेषणा करी किंतु आज आम से प्राची वैली सिविलाइजेशन आखपाखर गोटे मॉन्यूमेंट हेरिटेज मॉन्यूमेंट बा मंदिर इट्स अ लिविंग टेम्पल से पाखक आसचु से विषय आम आगक आउ जानवा। ओडिशा टूरिज्म प्रेजेंट्स एक्सप्लोर ओडिशा सीजन 3 पावर्ड बाय उत्कल ह्युंडई। ओडिशा टूरिज्म प्रेजेंट्स एक्सप्लोर ओडिशा सीजन 3 ओडिशा इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट पावर्ड बाय उत्कल ह्युंडई। देवतांक नारी शक्ति स्वरूप हेउछंती एही मातृका गण सेमाने हेले ब्राह्मणी वैष्णवी शिवदूती बा इंद्राणी नरसिंह चामुंडा कौमारी और बराहे। आम राज्य रे केतेक स्थान रे सप्त मातृका मंदिर रे मातृका गण समूह भावरे पूजा पाउथिबा बेले आउ केतेक स्थान रे एकक मंदिर रे स्वतंत्र भावरे मातृका रूपे पूजा पाउछंती। सेही परी सप्तम मातृका बराहींकर एकक मूर्ति पुरी जिला अंतर्गत 84 बराही मंदिर ठारे पूजा पाउछंती। बराही बराह होती माँ बराहमुखी बहुत महिमा माँ कर इटी षोल पूजा हुए षोल दिन जाक माँ कठे आईस भोग हुए आउ केबे हुए नी खाली षोल पूजा टाइम रे हुए। माँ गोटे हाथ में रत मुखा धरी आउ गोटे हाथ में माछ धरी माँ को नाभीरे गोटे हीरा थिला से हीरा एबे नाही से इंग्राजी माने से हीराटा को नहीं जाइछंती माँ का नाभि भी टे दाग अच्छे। प्राची उपत्यकार नियाली निकटवर्ती एहि बराही मंदिर सबुठारु सुंदर और कारुकार्यपूर्ण मंदिर। सोमवंशी शासन काल रे दशम शताब्दी रे निर्मित बराही मंदिर वास्तुकला दृष्टि एक श्रेष्ठ निर्माण कहिले अत्युक्ति हेब नाही। प्राचीर यूनिकनेस गोटे रिवर वैली रहा अच्छी कि प्राचीटा गोटे बहुत छोट नए जदि आप एंशियंट कोर्स डाकमरु केलुंग जाए देखिए इट वाज हार्डली 70 किलोमीटर्स आज 54-52 किलोमीटर अच्छे आगे किंतु जदि रिचेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ टेम्पल मठ्स घाट्स आउ नेचुरल वंडर्स अल्सो से भितर एंकरेज थिला पोर्ट गुड़ा थिला एतिक शॉर्ट डिस्टेंस द शेयर अमाउंट बोधे पृथ्वी आउ कौटी ना। समग्र प्राची उपत्यकारे जेऊं केतेक सूक्ष्म कारुकार्यपूर्ण मंदिर रहिछि तन्मध्यरे एहि बराही मंदिर स्थापत्य ओ वास्तुकला दृष्टिरु सर्वाग्रे रहिब। निमापड़ा काकटपुर नियाली रास्तारे गले एहि 84 ग्राम पड़िब। चारि छकुरु मध्य अमरेश्वर ग्राम देई एहि बराही मंदिर निकटरे सहजरे पहुँचि हेब। पुरी डिस्ट्रिक्ट रे थिबा 84 रहिछि ए बराही मंदिर। इट इज अ वेरी ओल्ड टेम्पल एंड इट इज अ ब्यूटिफुली मेड टेम्पल। आर्कियोलॉजिकली जी देखा जिवो ताले इट सीम्स लाइक द 9th सेंचुरी एडी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। बहुत निखुण काम होइछि बहुत सुंदर काम होइछि।
ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମାଆ ବରହୀ ଯେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାହନ ମଇଁଷି ଉପରେ ଡାହାଣ ହାତରେ ମାଛ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଥର୍ଡ ଆଇ ତାଙ୍କର ବି ଅଛି। ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଟେମ୍ପଲ୍, ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଇମେଜ୍ ଅଫ୍ ମାଆ ବରହୀ। ବହୁତ ସାରା ଇତିହାସ ରହିଛି, ବହୁତ ସାରା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅ ଓନ୍ଲି ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ, ଇଟ୍ସ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଷ୍ଟ। ଆଖପାଖରେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛି ASI। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ୱି ହାଭ୍ ଦ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗ ଦିସ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ ଟେମ୍ପଲ୍। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଆଳି ଆସିବେ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ପ୍ରାଚୀ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବେ, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ସଚ୍ ଏ ଓଲ୍ଡ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଯାହା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ମାଆ ବରହିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କାମ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣକୁ ଡିପିକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସୋ ଇଟ୍ସ ରିଏଲି ଅ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବ୍ୟୁଟି। ବାରାଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ତ ତା'ର ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏଇଟା ୟୁନିକ୍ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଯଦି କମ୍ପେୟାର୍ କରିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ରେ ଆମର ଇଏ ଅଛି ତିନି, ସେଇ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କମ୍ପେୟାର୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ କାର୍ଭିଙ୍ଗର ଫିନେସ୍ ଆଉ ଯାହା ତା'ର ଡିପିକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଠି ବାହାରେ ଏମ୍ବେଲିଶମେଣ୍ଟରେ, ଯାହା ତା'ର ଚାରିଆଡ଼େ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟସାଇଡ୍, ଇଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଭେରି ୟୁନିକ୍। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ବା ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ସୁସଂରକ୍ଷିତ। ମନ୍ଦିରଟି ବରାହଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଭଗବତୀ ବରାହୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ପୀଠଟି ଏକ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ରୂପେ ସୁପରିଚିତ ଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ବରାହୀ ଦେବୀଙ୍କ ସୁଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମା ଲଳିତାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ। ମାଆଙ୍କର ଏକ ପାଦ ମହିଷ ଉପରେ ରହିଛି, ଦ୍ୱିଭୁଜା ବିଶିଷ୍ଟ ମାଆଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଏକ ମାଛ ଧାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବାମ ହସ୍ତରେ ଏକ ପାତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖଟି ବରାହମୁଖ ଓ କପାଳରେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ରହିଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେବୀ ମତ୍ସ୍ୟ ବରାହୀ ରୂପେ ସେ ପରିଚିତ। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତ ଆପଣ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଇଟ୍ସ ୟୁନିକ୍ ଲାଇକ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନଟ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା'ର କ୍ଲୋଜ୍ଲି ଆପଣ ତା'ର ସିୟର୍ ଯେଉଁ ୟୁନୋ ତା'ର ଯେଉଁ କାର୍ଭିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ରିଚ୍ଲି ଡେକୋରେଟେଡ଼୍ ୱାଲ୍, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ବି ସେଠି ଖାଲି ନାହିଁ, ଆପଣ ଡିପିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରାମାୟଣ, ଅଫ୍ ଦି ମହାଭାରତ, ଅଫ୍ ଦି କୃଷ୍ଣ ଲୀଲା ଯଦି ସବୁ କରିବେ, ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ବହୁତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଆଇକନ କ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯେ ଆସିଥିଲେ ବରାହୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ସର୍ଟେନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଯାଏଁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଭଲରେ ରେନୋଭେସନ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ଼୍। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଯଦି ଆମେ କହିବୁ, ଇଟ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ। ଯେତିକି କେୟାର୍ ନେବା କଥା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏସ୍ଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼୍ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଯେତିକି କେୟାର୍ ନେବା କଥା ଗୋଟେ ବେଶୀ ଦୂର ବି ନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 50-55 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରଟି ଅତି ବେଶୀରେ 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦେଉଳ ବା ବିମାନ ସହ ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନ ରହିଛି। ଉଭୟ ବିମାନ ଓ ଜଗମୋହନରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିମାନଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ରେଖ ଓ ଖାଖରା ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ, ମାତ୍ର ଜଗମୋହନଟି ଆୟତକାର ଓ ପିଢ଼ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ। ଇଟ୍ ସଚ୍ ଅ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍, ବଟ୍ ୱେନ୍ ୟୁ ଲୁକ୍ ଡିପ୍ଲି, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିରର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, କେତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କେତେ ସ୍କଲ୍ପଟର୍ସ ଏ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ତିଆରି କରିଥିବେ। ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝରକା ବି ଅଛି, ଆଉ ଝରକା ଭିତରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ବ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ହାଜ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ, ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଫର୍ ୟୁଟିଲିଟି। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲିଗ୍ରିମ୍ସ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେ ଅଲ୍ସୋ ୱିଲ୍ ଏନ୍ଜୟ ଦିସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଟେମ୍ପଲ୍।
बहुत निखुण भाव में काम करा बहुत सुंदर भाव में यार आर्ट और आर्किटेक्चर या प्राची वाली सिविलाइजेशन रे आपण पाइबे बहुत प्रकार बहुत लेयर्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्कियोलॉजी एटी कहा जाए जे बौद्ध धर्मर भी सिविलाइजेशन थिला जैन धर्मर भी सिविलाइजेशन थिला शैविज्म अच्छी वैष्णविज्म अच्छी सो प्राची वैली इट्सेल्फ इज अ वंडरफुल थिंग टू एक्सप्लोर इतिहास कहे कि प्राची नदी कूल अनेक सारा मंदिर गढ़ी उठी प्राची नदी निकटरे ही रही माधव मंदिर कहा जाए कि ये माधव मंदिर गंगवंशीय राजा तैयारी करी थे पुण्य प्राची तटर माधव उपासनार बहु पुरातन और प्रसिद्ध पीठ हेउची माधव गाँवर माधवानंद जीव ठाकुर प्राची उपत्यकार क्षेत्राधिपति एठारे दुर्गा माधव उपासना सबुठु स्वतंत्र पूजा पाउथिबा शंख चक्र गदा पद्मधारी मूर्ति अत्यंत लावण्य कांतिमय पर्यटन दृष्टि आम भावचु याठू भल जगह ना ये मंदिर जो संस्कृति अच्छी जो ऐतिह्य अच्छी जो परंपरा अच्छी ये जगन्नाथ मंदिर समसामयिक श्री चैतन्य ओडिशा आगमन काल रे से प्राची क्षेत्र को यात्रा करथिले से महाकवि जयदेव पीठ केन्दुबिल्य जीवा सह नियाळीर माधव को मध्य दर्शन करथिले ठाकुर ना रे एही अंचल रा ना माधव होईछि आपण प्राची वैली रे जहाँ एबे अच्छी जोटा भी मो अनुमान रे 20-30% ही मॉन्यूमेंट रही बाकी सब डेस्ट्रॉय हो जाए आपण गोटे क्रोनोलॉजिकली गोटे ही यू नो सीरीज रे आपण जैन बौद्ध शैव शाक्त वैष्णव जेतिकी माने जेतिकी भी आमर ट्रांजिशनल फेज रे थिला रिलीजन गुड़ा सब पाउचंती कोएक्जिस्टेंटली साधारणतः कौन हुए जैन मंदिर भांगी कि बौद्ध मंदिर होता बौद्ध सब डिस्ट्रॉय करके ना पड़ेगा मंदिर आसे ये आप क्रोनोलॉजिकली देखिपर सेकेंड यूनिकनेस अच्छी आम ओडिशार जो तीन शैली मंदिर थ्री टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर विच वी हैव द रेखा दियाल द पीढ़ा एंड द खाकरा यू नो ऑल द थ्री टेम्पल यू फाइंड द जदि पिनेकल ऑफ यू नो ओडिशन आर्किटेक्चर हाइट ऑफ जदि एक्सेलेंस रे आपण देखिबो करिवे से गुड़ा सब मंदिर प्राची वैली रे अछि प्राची वैली सिविलाइजेशन को स्टडी आउ डिस्कवरी भी कह दे परिवो एटा बहुत रिसेंट बेसी दिन नुहे 100-200 वर्ष गोटे पोथी मिली जहाँ ले प्राची महात्म्य डेसीफर कर सारापर से जानी व्हाट इज द रिच कल्चर 4-5 वर्ष तले ASI जलारपुर रे गोटे एक्सकवेशन कर बहुत किछि पाई एमती भी पाई कि एते पुराना पुराना जिनस पाई कि आम जो साधारणत यू नो इंडस वैली सिविलाइजेशन हरप्पा मोहेंजोदारो एबिसिनियन इजिप्शियन मेसोपोटामियन हो पारे जदि प्रॉपर स्टडी प्राची वैली रो जदि हुए दिस विल प्रीडेट ऑल एंड नॉट ओनली प्रीडेट ऑल इट विल ऑल्सो बी ए मच बेटर एडवांस्ड सिविलाइजेशन
गाँवर ना हूँ चौरासी आउ ये गाँटी अति पुरातन इट्स अ वेरी ओल्ड हेरिटेज विलेज आउ ये गाँ भितर रही अनेक सारा पुरातन मंदिर किंतु गाँवर नाटा रही चौरासी बिकज कहुए ये चौरासी बांफी थिला दैट मीन्स 84 वेल्स अफकोर्स राइट नाउ यू मे नॉट फाइंड 84 वेल्स बट अफकोर्स यू कैन फाइंड सम ब्यूटिफुल हेरिटेज टेम्पल्स जेमती आम एसचु लक्ष्मी नारायण मंदिर को बराही मंदिर भी रही आउ कि मंदिर रही विच नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड बिकज इट हैज अ ब्यूटिफुल हेरिटेज एंड लॉट ऑफ आर्कियोलॉजिकल ब्यूटी चौरासी ग्रामरे मध्ये रहिछि लक्ष्मी नारायण मंदिर एहि मंदिर रे लक्ष्मी नारायणंकर एक विराट जुगल मूर्ति रहिछि एहि मूर्ति ठारु सुंदर निखुण और कमनीय लक्ष्मी नारायण प्रतिमा अन्यत्र देखिबाकु मिले नाही बहु प्राचीन कृति यार कुले कुले प्राचीन सभ्यता भीतर अछि आगे ई मंदिर होंजी अष्टम नवम शताब्दी रो मंदिर ये ये लक्ष्मीनारायण मंदिर तापर ये हूँ चारिपीठ मंदिर आउ मुख्य मंदिर आउ मुखशाला भोगमंडप नाटमंडप भोगमंडप नाटमंडप मुखशाला ये सब कालक्रमे भांगी जाए जाएगा तेरे 72 मसीह आउ गवर्नमेंट ये मंदिर को खोला खोली करी रिपेयर करके रखते मुख्य मंदिर टी वर्तमान अच्छी राज्य सरकार नियंत्रणाधीन से अच्छी एही सब स्थान बुली देखिबा परे मथा आपे आपे नई पड़े आम स्थपति और शिल्पी कुलंक उद्देश्य रे ओ आम पूर्व शासक गणंक उद्देश्य रे जेउ माने निजर ऐश्वर्य पाई विराट महल प्रासाद आदि निर्माण न करी निजर इष्ट देवदेवीक निमन्ते सुंदर और कारुकार्यपूर्ण मठ मंदिर आदि निर्माण करि जाइछन्ति स्मॉल इज ब्यूटिफुल ओडिशा रे अनेक सारा मंदिर अच्छी बहुत बड़ बड़ मंदिर रही बहुत छोट छोट मंदिर मंदिर रही आउ गोटे गोटे पॉपुलर मंदिर रे बहुत सारा लोक सेठ को आसंती बट इन सम टेम्पल्स जेंता ए लक्ष्मीनारायण मंदिर रही चौरासी गाँव रे इट हैज इट्स ओन ब्यूटी आखपाखे रही प्राकृतिक सौंदर्य चढ़े मैंने बास कर बहुत पुराणा पुराणा वृक्ष रही एंड दिस ब्यूटी ओनली यू कैन फाइंड इन सम प्लेसेस इन ओडिशा इफ यू आर लकी एनफ आपड़ जो मंदिर को आसबे ता परंपरा विषय जानवे ये केमी पूजा करा जाए से विषय जानवे इट रियली विल ऐड ब्यूटी टू योर टूरिस्ट एंट्री अफकोर्स ये गाँ भितर अनेक सारा लोक रोचे दे अल्सो लुक आफ्टर हाउ द ब्यूटी ऑफ दिस टेम्पल रिमेन्स सो आपत भी आसबे ये मंदिर को ऑब्वियसली गोटे भक्ति मनोभाव नहीं कि आसबे बट इट्स अल्सो वेरी इंपोर्टेंट दैट ये जो सुंदरता रही जो प्राकृतिक सौंदर्य रही दैट अल्सो वी शुड मेंटेन ओडिशा टूरिज्म रे वी आर वेरी फॉर्चुनेट जे आम ओडिशा विभिन्न जगह जाऊँ बड़ टू छोट मंदिर देखुचु बट व्वेन यू कम टू अ स्मलर टेम्पल गोटे छोट मंदिर भितर एत सुंदर कारुकार्य रही यू विल बी अस्टॉनिश्ड जो लक्ष्मीनारायण मंदिर आमर जयदेव जो गीत गोविंद लिखिं ये गीत गोविंदर प्रथम पद आप जहाँ पढ़े मूर्ति टी से देखिए प्रथम पद जहाँ मूर्ति टी से इमती मूर्ति अंत आम ओडिशा रे विरल ये मंदिर द्वितीय लांगुला नरसिंह देवंकर ये मूर्ति तले मूर्ति रही रजाकर मूर्ति मेन मंदिर मेन मूर्तिर तलकू भी अच्छा
आ कला मुगुनी पत्थर रे ये पूरा होचंदि तयारी तांक पाखरे गरुड अछंदि आ से जो रजा करथिले से रजांगर चित्र ही मध्य अछि मध्य बाहर ही मध्य पर्यटक देश बाहर ही मध्य आसंदि बहु पर्यटक प्राय सबु दिन आसंदि कहिले भूल होबनि। इत्ते सुंदर मंदिर आ ता भीतर रहिछि इत्ते सुंदर प्रतिमा लक्ष्मी नारायण कर दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल टेम्पल मंदिर टी अति सुंदर ता भीतर आपण पशिला परे आपण देखिबे इत्ते सुंदर प्रतिमा रहिछि ऑटोमेटिकली आपणकर से स्पिरिचुअल फर्वर से रिलीजियस माइंड टा आसी जिवो सो श्रद्धा मानु तो ऑब्वियसली दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल गोटे ग्राम्य परिवेश रही व्हेन एवर वी वांट टू टॉक अबाउट ओडिशा आम रूरल टूरिज्म आम ग्राम्य परिवेश को भी आम पुश करुचु आउ ओडिशा गवर्नमेंट कौन केन्द्र गवर्नमेंट भी रूरल टूरिज्म को भी प्रोत्साहन दौची सो इट इज दैट काइंड ऑफ प्लेस ये चौरासी गाँ भर जो आसवे आपत विभिन्न जगह देखिए प्राकृतिक सौंदर्य एंजय करेंगे बट अफकोर्स व्वेन यू कम टू दि स्मल टेम्पल्स यू एंजय इट्स स्पेशल ब्यूटी। सच ए ब्यूटिफुल आटमोसफियर ये चौरासी गाँ भर जो आप बुलवे अफकोर्स लाइक एवरी अदर विलेज इन ओडिशा ए बहुत जगह मॉडर्न आमेनिटीज होगा पक्का रास्ता है स्कूटर साइकिल ये रास्त सब प्रकार वाहन चलुं किंतु व्वेन यू वॉक थ्रू दिस विलेज यू कैन सी द हिस्ट्री एंड द ब्यूटिफुल आर्कियोलॉजी इन द टेम्पल्स गोटे सुंदर परिवेश भितर व्वेन वी सी हिस्ट्री एंड हेरिटेज यू अलवेज एंजय इट। ओडिशार विभिन्न जगह जामें बहुत बड़ बड़ सहर को जाइ बहुत बड़ बड़ मंदिर देखीचु बहुत बड़ बड़ झरणा एवरीथिंग बिग वी हैव सीन बट व्वेन वी कम टू अ स्मलर प्लेस द ब्यूटी इज नॉट स्मॉल द ब्यूटी इज मच बिगर इफ यू हैव द आईज फॉर इट। आजिकार एक्सप्लोर ओडिशार यही एपिसोड आम यही सारे इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ए गाँ भितर आम दुईट मंदिर देखल आ गाँर आखपाखे आम से परिवेश को अनुभव कलु आपण मानक भी देखल गोटे नुआ एपिसोड्रे आप सहित आउ थे देखाहबा ओडिशा टूरिज्म प्रेजेन्स एक्सप्लोर ओडिशा सीजन 3 पावर्ड बाय उत्कल ह्युंडई।